छोटी के पापा जी बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं, मेरे को छोड़ दे रहे हैं पीछे। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे हो जा रही हूँ, देख रहे हैं। और छोटी को छोड़ दिए हैं आधे रास्ते पे ही हम लोग दूसरों के घर पे, और देखने के लिए आए हम लोग। उसको पा के चलने नहीं पाते हम लोग, इसमें बहुत ज्यादा घास है ना, तो गिर उड़ जाएंगे कहीं, इसलिए उसको नहीं लाते हैं हम लोग ज्यादातर। देख रहे हो कुछ दिखिए नहीं रहा है रास्ता, कहीं गड्ढा है क्या है कोई पता नहीं। देख रहे हैं हम लोग गांव से कितना दूर आए हैं, इधर का भी गांव बहुत दूर है, इधर से भी गांव बहुत दूर है, इधर से भी सब तरफ से बहुत दूर है गांव से खेत। देख रहे हैं, देखिए मेरा धान छाती भर है। और छोटी के पापा जी बोल रहे थे इस वर्ष हम लोग का धान नहीं बढ़ रहा है, बोल रहे थे देखिए। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आप सब कैसे हो, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ का नजारा, मैं कहाँ आ गई हूँ आज। और देखिए उधर छोटी के पापा जी आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे हूँ। तो गाइस जब से हम लोग रोपा लगाए थे तब से हम लोग देखने नहीं आई थी मैं, उनके पापा जी आए थे एक दो बार बट मैं नहीं आई थी। तो हम लोग जा रहे हैं खेत देखने के लिए, धान हम लोग का कैसा है, उसको अभी काटने का समय भी आ गया है। तो हम लोग सोचे एक बार देख लेते हैं कैसा है, फिर काटेंगे धान को, हुआ है नहीं हुआ है कैसा हुआ है वो भी पता नहीं है। और देख सकते हैं बहुत लोगों का धान हो गया है, अभी कटेगा शायद ये वाला धान। तो चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हम लोग का धान इस वर्ष कैसा हुआ है। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, बहुत ज्यादा घास है गाइस, रास्ता देख रहे हो किस तरह से है। देख रहे हैं धान पूरी तरह से सो गया है, एकदम पूरा का पूरा सो गया है, पूरा खेते का। ये काटने में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है इस तरह का धान, होने के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है लेकिन सो गया है पूरा हवा से। देख रहे हैं और रास्ता का तो कोई ठिकाना नहीं है। छोटी के पापा जी बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं, मेरे को छोड़ दे रहे हैं पीछे, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे हो जा रही हूँ, देख रहे हैं। और छोटी को छोड़ दिए हैं आधे रास्ते पे ही हम लोग दूसरों के घर पे, और देखने के लिए आए हम लोग। उसको पा के चलने नहीं पाते हम लोग, इसमें बहुत ज्यादा घास है ना, तो गिर उड़ जाएंगे कहीं, इसलिए उसको नहीं लाते हैं हम लोग ज्यादातर। देख रहे हो कुछ दिखिए नहीं रहा है रास्ता, कहीं गड्ढा है क्या है कोई पता नहीं। तो गाइस हम लोग का खेत हम लोग पहुंचने वाले हैं, अभी दिखाएंगे। बहुत दूर आए हैं हम लोग, इसीलिए छोटी को नहीं लाते हैं, एकदम ज्यादा घास है ना, चलने नहीं पाते हैं उसको पाके, और खुद से तो चल नहीं सकती। तो गाइस हम लोग पहुंच गए मेरे खेत के पास, ये रहा देखिए कैसा है जी धान, बताओ। थोड़ा थोड़ा हारा है, ये है हम लोग का धान, देख रहे हैं नहीं हुआ है ठीक से, बट हो जाएगा एक आध सप्ताह में, ज्यादा नहीं लगेगा।
देख रहे हैं हम लोग गांव से कितना दूर आए हैं। इधर का भी गांव बहुत दूर है, इधर से भी गांव बहुत दूर है, इधर से भी सब तरफ से बहुत दूर है गांव से खेत। देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा हुआ है इस वर्ष, बोल रहे थे छोटा है नहीं बड़ा है बोल रहे थे ना जी। देखिए मेरा धान छाती भर है, और छोटी के पापा जी बोल रहे थे इस वर्ष हम लोग का धान नहीं बढ़ रहा है बोल रहे थे। देखिए ये देख रहे हैं, देख रहे हो गाइस छोटी के पापा उस पार पे हैं और मैं इस पार पे हूँ। हम लोग का खेत यहाँ से वहाँ तक और ई वाला है दो है, नहीं हुआ है अभी तो, एक सप्ताह लगेगा। बस इसी को देखने के लिए आए थे हम लोग, बहुत मेहनत किए हैं इसको लगाने के लिए और बहुत मतलब परिश्रम करके इसके लिए पैसा जुटाए थे और लगाए हैं, लेकिन भगवान ने सुन लिया और हम लोगों का सफलता का फल दिखा दिया गाइस। अच्छा है, हैप्पी है, हम खुश हैं इसके लिए, अच्छा हुआ है हम लोग का धान। निमरी से उसार लिया, उतर के देख तो कितना बड़का है इधर, ये छोड़ो तो। का है नहीं गाइस, हम लोग जा रहे हैं घर अपना खेत देख के धान देख के। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आज का ब्लॉग मैं यहीं से एंड करती हूँ। बाय।